अगर आप लोग पार्ट वन में एडमिशन नहीं कराए हैं तो आज आप लोग अपना एडमिशन कर लें, तो आप लोग खुद से ही ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कैसे किया जाता है चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इसमें आप यहाँ टाइप करेंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी .ac.in और एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑफिशियल साइट खुल करके आ जाएगा। यहाँ आप एडमिशन वाला सेक्शन पे आएंगे, यहाँ एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, यहाँ आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। पहले यहाँ अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ अपना मिडल नेम, यहाँ लास्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ एक मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ एक ईमेल आईडी फिल करेंगे, यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ एक पासवर्ड चूज़ कर लेंगे। पासवर्ड में आपका नाम, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ मिला हुआ रहना चाहिए। और यहाँ पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ सक्सेसफुली हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज़ कम्प्लीट चेक योर मेल और SMS फॉर डिटेल्स। यहाँ हम ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और जो पासवर्ड आपने चूज़ किया वो पासवर्ड को यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ फिल कर देंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप अपना पैनल में लॉगिन हो जाएंगे, आपका यहाँ नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ प्रोग्राम डिटेल्स में देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट, आपको 4 स्टेप में आपका यहाँ एडमिशन कम्प्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और दूसरा स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और तीसरा स्टेप में डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और चौथा स्टेप में आपको पेमेंट करना होगा। तो चलिए यहाँ हम अप्लाई नाउ इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, यहाँ अपना फादर नेम फिल करेंगे, यहाँ मदर नेम फिल करेंगे और यहाँ अपना फादर नेम को कंफर्म करेंगे और यहाँ मदर नेम को कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, यहाँ से अपना जेंडर को सेलेक्ट करेंगे, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से अपना जाति सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है आप SC ST OBC जनरल जो भी है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो इसको चूज़ कर लेंगे, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप अल्पसंख्यक श्रेणी से आते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे वरना नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना रिलीजन चूज़ कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ नेशनलिटी में आप यहाँ इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और डोमिसाइल स्टेट में यहाँ अपना स्टेट का नाम फिल कर देंगे, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है तो वो यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद क्या आपके पास आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS श्रेणी का प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे वरना नो पे क्लिक करेंगे। क्या आपके पास आधार संख्या है तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना आधार नंबर फिल करेंगे, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो यहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ प्रेजेंट एड्रेस फिल करना होगा, तो यहाँ अपना गांव का नाम फिल करेंगे, यहाँ अपना पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करेंगे, यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ अपना एरिया पिन कोड फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा, तो आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ इस पर टिक करेंगे तो आपका यहाँ भी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स फिल करना होगा। चलिए पहले आप मुझे यहाँ क्या पूछ रहा है कि हायर सेकेंडरी 10th एजुकेशन डिटेल्स को आपको यहाँ फिल करना है, तो सबसे पहले यहाँ हम पासिंग ईयर चूज़ कर लेंगे कि कौन सा साल आप अपना 10th क्लास पास किए थे। उसके बाद यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा बोर्ड से आप अपना 10th पास किए हैं और यहाँ रोल नंबर फिल करेंगे 10th का और कितना मार्क्स लाए थे उसमें यहाँ फिल कर देंगे और कितना मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था वो यहाँ फिल करेंगे, इसी हिसाब से आपका यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ 12th का डिटेल्स फिल करना होगा कि कौन सा साल आप अपना 12th पास किए हैं वो यहाँ फिल कर देंगे और कौन सा बोर्ड से किए हैं वो यहाँ से बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ अपना रोल नंबर फिल करेंगे, यहाँ कौन सा सब्जेक्ट लिए थे आप 12th में वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कितना मार्क्स लाए हैं वो यहाँ फिल करेंगे और कितना मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था वो यहाँ फिल कर देंगे, उसी हिसाब से आपका यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम 12th ये सेलेक्ट करना होगा कि 12th में आपका कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर आया वो यहाँ से चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि हम हिंदी लेंगे, हिंदी में आप कितना मार्क्स लाए थे वो यहाँ पर फिल करेंगे और कितना मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था वो यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे मेरा हिंदी 100 का था तो हम 100 यहाँ लिख दिए और उसमें से हम 53 नंबर लाए थे तो वो यहाँ फिल करेंगे, तो और बाहर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ परसेंटेज आ जाएगा और यहाँ ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आपको इसी तरह दूसरा सब्जेक्ट को चूज़ करना है। चलिए दूसरा सब्जेक्ट मेरा यहाँ उर्दू है तो इसको भी हम ले लेते हैं उर्दू। उसके बाद उर्दू में आपका कितना नंबर आया है वो यहाँ पे फिल कर देंगे और कितना नंबर का उर्दू का एग्ज़ाम हुआ था वो यहाँ पे फिल करेंगे और बाहर पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। फिर यहाँ ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसी तरह आपका
दो डिटेल्स यहाँ पे फिल हो गया। इसी तरह जितना भी सब्जेक्ट है वो सारा सब्जेक्ट को यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि देखिए हमने यहाँ सारा का सारा सब्जेक्ट को फिल कर दिया है, उसी हिसाब से मेरा यहाँ परसेंटेज आ गया। उसके बाद यहाँ हम प्रोसीड टू चूज प्रीफरेंस इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से सब्जेक्ट ले लेते हैं, कौन सा सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। चलिए हम बीए में लेंगे, और सब्जेक्ट कौन सा लेंगे, कौन सा ऑनर्स रखेंगे वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसमें हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखेंगे तो उसको चूज़ कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मेरा कटिहार में है, इसको हम सेलेक्ट कर लिए। और यहाँ से आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। कम से कम आपको 10 कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। देखिए जैसे कि हम बलरामपुर कॉलेज इसको सेलेक्ट किए और यहाँ ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलेज मेरा यहाँ इंसर्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी तरह से आपको फिर से अपना इसी तरह से कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। फिर डिग्री में हम बीए रखेंगे और सब्जेक्ट में हम पॉलिटिकल साइंस रखेंगे, हमको कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ही लेना है। और यहाँ से फिर हम कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह कॉलेज ले लिया और ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये इसी तरह ऐड होता रहेगा। इसी तरह से आपको कम से कम 10 कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम फटाफट इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखें जैसे कि हमने यहाँ 10 का 10 कॉलेज पूरा सेलेक्ट कर लिया है। जो मेरे कटिहार डिस्ट्रिक्ट में 7 कॉलेज मैंने सेलेक्ट किया और 3 कॉलेज मैंने पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट किया है, तो मेरा कुल यहाँ 10 कॉलेज हो गया है टोटल। उसके बाद हम नीचे आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाएगा, इसको आप रीड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट इसके ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, कम से कम 300 KB से कम होना चाहिए उसका फाइल साइज, और यहाँ इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये दोनों जरूरी नहीं है, जरूरी जो जो है यहाँ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है और इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है। चलिए फोटो जरूरी है तो यहाँ पहले चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी फोल्डर में फ़ोटो रखा हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे तो यहाँ फ़ोटो आ जाएगा। इसी तरह जो जो जरूरी है उसको हम अपलोड कर देते हैं, जैसे कि 10 का मार्कशीट जरूरी है। चलिए हम यहाँ चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे इसको अपलोड करने के लिए, और जो भी फोल्डर में रखा हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे तो 10 का मार्कशीट भी यहाँ पे आ जाएगा। और सिग्नेचर भी ज़रूरी है तो इसको अपलोड करेंगे, तो इसको अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी फोल्डर में सिग्नेचर रखा हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। इसी तरह सिग्नेचर भी यहाँ अपलोड हो जाएगा। और 12 का मार्कशीट भी ज़रूरी है तो यहाँ चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ 12 का मार्कशीट को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी फोल्डर में रखा हुआ है, और यहाँ से ओपन कर देंगे तो 12 का मार्कशीट भी यहाँ पे आ जाएगा। जो जो जरूरी है वो उसमें यहाँ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, रेड कलर का स्टार मार्क लगा हुआ है, और जो जरूरी नहीं है उसमें लगा हुआ नहीं है। तो चलिए जो जो जरूरी है उसको मैंने यहाँ अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ हम नीचे आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए जैसे कि हमने यहाँ नेक्स्ट किया तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड और रेसिडेंट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, जबकि इसमें स्टार मार्क लगा हुआ नहीं है लेकिन ये जरूरी मांग रहा है। तो आपके पास अगर है तो आप अपलोड कर देंगे, अगर आपके पास नहीं है तो इसको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ आप अपना निवास प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट को इसके फाइल में अपलोड कर देंगे। चलिए हम निवास प्रमाण पत्र इसमें लगाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से ओपन कर देंगे तो मेरा यहाँ निवास आ जाएगा। और मुझे रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो यहाँ चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और मेरे पास यहाँ जो भी रेसिडेंट सर्टिफिकेट है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट इसके ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो अभी ये मेरा सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ आपको पेमेंट करना होगा, 600 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट इसके ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से पेमेंट अगर कीजिएगा तो आपको 23 रुपये का पेमेंट एक्स्ट्रा देना होगा, क्योंकि नेट बैंकिंग चार्ज वो 23 रुपये काटता है। तो चलिए हम UPI से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे यूजिंग UPI इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ अपना पेयर वर्चुअल एड्रेस डालेंगे और यहाँ पेयर का नाम फिल करेंगे और पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप वहाँ पे जो भी UPI ID डाले हैं उसी ऐप में आपका एक नोटिफिकेशन चल जाएगा। चलिए मेरा यहाँ पे आ गया है तो यहाँ से हम पहले पेमेंट कर देते हैं, तो यहाँ से पेमेंट करेंगे तो वहाँ भी मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि देखिए हमने यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है, मेरे अकाउंट से पैसा कट हो चुका है, तो वहाँ भी मुझे रिडायरेक्ट कर दिया है, मुझे यहाँ ब्राउज़र को रिफ्रेश बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको इस तरह का मैसेज मिल जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस इज सक्सेस और ट्रांजेक्शन ID आपका यहाँ जनरेट हो जाएगा। चलिए मुझे यहाँ प्रिंट अप्लीकेशन इसके ऑप्शन पर क्लिक करके पहले मुझे अपना अप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है।
उसके बाद आपका फॉर्म इस तरह से डाउनलोड होकर के ओपन हो जाएगा। इसमें आपका सारा का सारा डिटेल्स दिया हुआ रहता है। आपको कुछ दिन वेट करना है, जब भी मेरिट लिस्ट निकलेगा उसमें आपका नाम रहेगा, उस मेरिट लिस्ट को निकाल करके आप अपना एडमिशन कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ आने के बाद यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और अपना होम पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका यहाँ एप्लीकेशन नंबर यहाँ आ जाएगा, जनरेट होकर के रहेगा। आप चाहें तो वही एप्लीकेशन कॉपी को यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। चलिए मुझे अब इसमें कुछ भी नहीं करना है तो हम यहाँ लॉग आउट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे ताकि हम इससे बाहर हो जाएं। सो इसी तरह से आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी में अपना बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।